हेलो और नमस्ते गाइस। तो स्वागत है आपका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं मैदान की ओर थोड़ा सा टहलने के लिए। ये है मेरे घर के सबसे बड़े बुजुर्ग और आज सुबह का व्यू नज़ारा देखिए किस तरह है। हर ओर फॉगी फॉग, कुहासा ही कुहासा दिख रहा है। तो गाइस हम जा रहे हैं नदी की ओर, जो कि यहाँ एक छोटी सी नदी है। गाइस नदी में तो पहुंच चुके हैं और पानी देखिए कितना कम जा रहा है। ये कुछ डैम जैसा है, इसमें पानी को रोका जाता था सिंचाई के लिए। ये करीब 20 साल पुराना होगा। तो यहाँ पानी को रोकने के लिए दरवाज़ा होता था, जो कि अभी नहीं है। गांव के लोगों ने तोड़ फोड़ के कहाँ फेंक दिया पता नहीं। अभी यहाँ पे मिट्टी दे दिया गया है और यहाँ देखिए एकदम से खुला है। तो ऐसे कूद के आना पड़ा हम लोगों को। तो नदी का नज़ारा कुछ इस तरह है, ऊपर की ओर कुछ इस तरह है। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं, ये पीपल का पेड़ है। ये पेड़ दिन और रात में ऑक्सीजन देते हैं। गांव के लोग इस पेड़ की पूजा करते हैं। लोगों का मानना है कि पीपल के पूरे पेड़ में भगवान का वास होता है। यहाँ अरहर की खेती कर रखी है। अभी बहुत छोटे हैं ये अरहर, थोड़े से ही हैं। तो मेरे घर के सबसे बड़े बुजुर्ग यहाँ मुंह धोएंगे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये अभी हाथ पैर मुंह धो रहे हैं और पानी देखिएगा इस काफ़ी साफ है। छोटी सी नदी है। यहाँ हम लोग स्नान करने आया करते थे, बट अब नहीं आते हैं। अब हम जा रहे हैं घर की ओर, उस पहाड़ के पास जाना होगा जो आपको धुंधला टाइप का दिख रहा है। तो हम इस पहाड़ी के काफी करीब पहुंच चुके हैं। तो गाइस हम अब पहुंच चुके हैं पहाड़ के पास, बिल्कुल एकदम नज़दीक हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा सीन है। गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं और हमारा घर तो यहीं पहाड़ के पास ही है। देखिए ये है। तो गाइस मैं इधर घूमने के लिए आया था। ये पूरा प्लास का जंगल है। थोड़े खजूर के भी पेड़ हैं और बहुत सारे कुछ के पेड़ हैं, जो कि अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि जंगल में जाने से मेरे को डर लग रहा है। सांप बाहर आ गया तो बस मेरा काम ख़त्म कर देगा।
गाइस इधर है जंगल और इधर है पहाड़ी। गाइस अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं इधर घूमने के लिए आया था, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो काफ़ी अच्छा सीन है इधर का। इस गड्ढे में पानी हो रखा है। ये गड्ढा इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ से गांव के लोग जो है मिट्टी घर को ले जाते थे और मिट्टी घर ले जाके निपापोती घर का करते थे, अभी भी करते हैं। दुर्गा पूजा के सीजन में बहुत सारे लोग यहाँ की मिट्टी ले जाएंगे अपने घर को। तो ये एक रास्ता है जो कि इधर, तो आप इधर से चले जाएंगे एक गांव, यहाँ से आपको उधर जाना होगा, वहाँ गांव है, और इधर से सीधे सड़क पर मतलब मेन रोड का यही रास्ता है। वो बड़ा वाला पेड़ जो आप देख रहे हैं वो भारत का राष्ट्रीय पेड़ यानी बरगद का पेड़ है। तो गाइस यहाँ हमारे यहाँ पेड़ों की कमी नहीं है, पेड़ जंगल झाड़ी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो गाइस मैं अभी घर जा रहा हूँ। मैं पीछे की ओर से वापस आ चुका हूँ इधर, और इधर घर की ओर जा रहा हूँ आगे इधर। गाइस मैं उधर से इधर आ चुका हूँ, इधर पहाड़ के बिल्कुल नज़दीक, पहाड़ के बगल में ही मेरा घर है।